हेलो, ये इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर नंबर वन क्लास ट्वेल्व के इलेक्ट्रोस्टैट के बेसिक चैप्टर नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैट के बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपका, व्हेन ए शो बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट बर्स्ट इट एक्सपेंड इट कॉन्टैक्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो क्या है, अगर कोई सोप बबल को आप चार्ज दोगे, निगेटिव चार्ज दोगे, क्या होता है आपका लाइक चार्ज क्या होता है आपका रिपेल करता है। निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज देना मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा क्या है दूर जाना, इसीलिए क्या हुआ एक्सपेंड करेगा। निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या होता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्ज क्या करे रिपेल मीन्स दूर जाना चाहे, इसलिए क्या करे दूर जाने के लिए क्या करेगा इसको एक्सपेंड, दूर जाने के लिए क्या करे इसके स्फीयर को एक्सपेंड करेगा मीन्स स्फीयर एक्सपेंड करेगा, स्फीयर एक्सपेंड करेगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, समझ गए ये आपका हो गया। तो इसलिए ऑप्शन क्या हुआ इट एक्सपेंडेड, समझ गए। दूसरा मेथड है इसको तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो इसलिए क्या चार्ज दूर दूर जाएगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इसलिए क्या हुआ ये एक्सपेंड करेगा। दूसरा इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट से सोच सकते हैं, कोई सिस्टम कब स्टेबल होता जब एनर्जी मिनिमम होता है, कोई भी सिस्टम एनी सिस्टम स्टेबल ओनली व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्योंकि यहां पे रेस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी की बात है, टोटल एनर्जी मिनिमम बोलते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एक बोल सकते टोटल एनर्जी मिनिमम। यहां इसके पास क्या हो सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में आपका सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय एट पाई एप्सिलॉन आर, समझ गए। तो यहां पे क्योंकि निगेटिव चार्ज है इसको क्या लिखेंगे जो भी है माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाय एट पाई एप्सिलॉन, इसका रेडियस आर है, ये मिनिमम कब होगा जब रेडियस बढ़े तभी, क्योंकि इसको क्यू स्क्वायर हो गया, चार्ज तो फिक्स है, मिनिमम होने के लिए क्या होगा यू प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है एट पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन बाय आर के, आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, आर बढ़ेगा तो यू क्या होगा घटेगा और स्टेबल ज्यादा होगा, इसलिए क्या अपने आप को कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए क्या होगा रेडियस को बढ़ाएगा, इसलिए क्या कर सकते सेकेंड मीटर इस तरह सोच सकते इट एक्सपेंड्स, समझ गए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर आपसे पूछे समझ गए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कि अगर निगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा रेडियस इंक्रीज करेगा मीन्स क्या होगा स्फीयर एक्सपेंड करेगा, समझ गए। दूसरा तरीका है कि अगर इसमें निगेटिव की जगह क्या दे दें पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव ना देके हम क्या करें पॉजिटिव चार्ज दें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए। तो फिर से क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज दे दिए, फिर से क्या होता है आपका लाइक चार्ज रिपेल इच अदर होता है, सेम कॉन्सेप्ट लगा लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो लाइक चार्ज इसलिए क्या करेगा एक्सपेंड करेगा, सेम कॉन्सेप्ट से लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो लाइक रिपेल इच अदर मीन्स क्या करेगा इसको एक्सपेंड करेगा, ये भी हो गया। दूसरा क्या पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सपेक्ट है कि मिनिमम होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय एट पाई एप्सिलॉन आर, समझ गए। तो अगर आपका यू क्या अगर ये कांस्टेंट है यू क्या हो अगर मिनिमम होना यू को मिनिमम होना होगा स्टेबिलिटी के लिए तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ज्यादा होगा तो यू क्या होगा कम होगा और स्टेबल होगा, इसलिए क्या करेगा ये एक्सपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो किसी भी चार्ज में क्या होगा आपको
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सपेन करना होगा, या लाइक चार्ज रिपेल करता है, इस कॉन्सेप्ट से भी सोचते हैं क्या हुआ एक्सपेन करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में, फ्रॉम क्लास 1 to 12 या केमिस्ट्री में, तो आपको जो भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7361990990। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा वीडियो के द्वारा। थैंक यू।